एशिया कप 2022 के पहले मुकाबले के लिए घोषित हुई भारत और पाकिस्तान की खतरनाक प्लेइंग 11, इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे रोहित शर्मा और बाबर आजम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया और पाकिस्तान के कप्तान ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। दोनों टीमों में कई खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं, तो दोस्तों हम आपको बल्लेबाजी और गेंदबाजी का कंपेरिजन करके बताएंगे और साथ ही बताएंगे कौन सी टीम का पलड़ा है मजबूत और कितने बजे ये मुकाबला शुरू होगा, कैसे आप इसे लाइव देख सकेंगे। इस मुकाबले की तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करे, तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों एशिया कप 2022 के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा है, तो दूसरी तरफ बाबर आजम पाकिस्तान की ओर से कप्तानी करते हुए दिखेंगे। लेकिन दोनों टीमों की हम बात की जाए तो यहां पर काफ़ी मजबूत दोनों टीमें नज़र आ रही हैं और इस बार मुकाबला काफ़ी शानदार रहने वाला है। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड की। तो सबसे पहले हम जानते हैं पाकिस्तान की टीम के पूरे स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों पाकिस्तान के कप्तान हैं बाबर आजम, तो वॉइस कैप्टन है शादाब खान। इसके बाद नंबर 3 पर आसिफ अली मौजूद है, तो नंबर 4 पर हैदर अली मौजूद है। वहीं पर नंबर 5 पर फखर जमान है, तो नंबर 6 पर इफ्तिकार अहमद है। 7वें खिलाड़ी के तौर पर हरीश रौफ है, तो 8वें खिलाड़ी मोहम्मद नवाज हैं, जबकि 9वें खिलाड़ी खुशदिल शाह है, तो 10वें खिलाड़ी मोहम्मद वसीम है, जबकि 11वें खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान है, तो 12वें खिलाड़ी साइनसा अफरीदी है, 13वें खिलाड़ी नासिम शाह है, तो 14वें खिलाड़ी शाहनवाज दहानी है, तो 15वें खिलाड़ी उस्मान कदायर हैं। यानी कि देखा जाए तो इस टीम के पास बेहतरीन गेंदबाज, बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं, जो इस एशिया कप में एक मजबूत टीम बनाती है पाकिस्तान को। और पाकिस्तानी इस बार भारत को टक्कर देने वाली टीम लग रही है एशिया कप में बाकी सभी टीमों के मुकाबले। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ टीम इंडिया के स्क्वाड की हम बात करें तो भारतीय स्क्वाड में भी कई खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। टीम इंडिया के कप्तान की हम बात करें तो यहाँ पर रोहित शर्मा है, जिनकी टीम के वॉइस कैप्टन KL राहुल हैं। वहीं पर तीसरे खिलाड़ी के तौर पर टीम में मौजूद है विराट कोहली, तो चौथे खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव। 5वें खिलाड़ी के तौर पर दीपक हुड्डा है, तो 6ठे खिलाड़ी के तौर पर ऋषभ पंत हैं, जबकि 7वें खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या हैं, तो 8वें खिलाड़ी के तौर पर दिनेश कार्तिक हैं, 9वें खिलाड़ी रविंदर जडेजा है, तो 10वें खिलाड़ी यजवेंद्र चहल हैं। वहीं पर 11वें खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन हैं, तो 12वें खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार हैं, 13वें खिलाड़ी रवि बिश्नोई है, तो 14वें खिलाड़ी आवेश खान है, जबकि 15वें खिलाड़ी के तौर पर टीम में मौजूद है हरसदीप सिंह। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो दोनों टीमों के पास बल्लेबाजों में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद है। पाकिस्तान के पास नंबर 1 व नंबर 3 बल्लेबाज के तौर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है ICC रैंकिंग में, तो भारतीय टीम के पास नंबर 2 के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मौजूद हैं। वहीं पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ साथ KL राहुल किसी भी समय मुकाबले को पलट कर रख सकते हैं, तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं फखर जमान, इफ्तिकार अहमद, साथ ही साथ यहाँ पर टीम के लिए हरीश रौफ भी बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हैं। तो इसके अलावा साइनसा अफरीदी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली को लेफ्ट आर्म गेंदबाज को खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं पर चले दोस्तों अब हम जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। दोनों इस टीम के खतरनाक बल्लेबाज हैं और 2021 वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया और पाकिस्तान भिड़ी थी तो इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। इसके बाद नंबर 3 पर फखर जमान उतरेंगे, तो नंबर 4 पर हैदर अली हमें खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 पर शादाब खान उतरेंगे, तो नंबर 6 पर आसिफ अली उतरने वाले हैं। नंबर 7 पर मोहम्मद नवाज उतरेंगे, तो नंबर 8 पर हरीश रौफ उतरेंगे। नंबर 9 पर नसीम शाह उतरेंगे, तो नंबर 10 पर उस्मान कदर उतरने वाले हैं, तो नंबर 11 पर साइनसा अफरीदी उतरेंगे। यानी कि पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी, ऑलराउंडर और गेंदबाजी देखी जाए तो काफ़ी शानदार लग रही है, जो कि इस बार एशिया कप में एक मजबूत टीम बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की हम बात करें तो टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी के तौर पर KL राहुल और रोहित शर्मा रहने वाले हैं। इसके बाद नंबर 3 पर हमें विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 4 पर उतरने वाले हैं सूर्य कुमार यादव। तो वहीं पर नंबर 5 पर ऋषभ पंत हमें खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 6 पर दिखने वाले हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। तो वहीं पर नंबर 7 पर दिनेश कार्तिक उतरेंगे, तो नंबर 8 पर उतरेंगे रविंदर जडेजा।
यानी कि दोस्तों टीम इंडिया की एक लंबी बल्लेबाजी लाइनअप रहने वाली है। वहीं पर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 9 की, तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह उतरने वाले हैं। अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण तेज गेंदबाज होने वाले हैं। तो वहीं पर नंबर 11 पर हमें यजुवेंद्र चहल खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों भारतीय टीम के पास भी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंडर काफ़ी शानदार हैं। ऐसे में दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर दोनों टीमें फिलहाल 50-50 लग रही है। वहीं पर दोस्तों अभी इस मुकाबले के शुरू होने के समय की हम बात करते हैं, मुकाबला शाम के 7:30 पर शुरू होगा 28 अगस्त को, जिसे आप स्टार स्पोर्ट पर लाइव देख सकेंगे। धन्यवाद।